गुड मॉर्निंग बच्चों, सब कैसे हो? हाँ बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों आपको पता है, पुरानी रोमन कहानियों में जो सूरज के देवता होते थे उन्हें सोल कहा जाता था, और जो सौर शब्द होता है माने सोलर सिस्टम का, जो सौर मंडल का सौर होता है उसका मतलब होता था सूरज से जुड़ा हुआ। इसलिए जो सूरज का परिवार है उसको हम सौर मंडल कहते थे। बच्चों, जब सूरज छुप जाता है, क्या आपने आकाश को देखा है? हाँ, जब सूरज छुप जाता है तो आकाश यानी आसमान को देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आसमान में शुरू में तो बहुत छोटे 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 बिंदु मतलब तारे दिखने लगते हैं, और बाद में जो वो बिंदु होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। क्या बच्चों आपको लगता है आप उन सबको गिन सकते हैं? 1, 2, 3, 4। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप उनको गिन भी नहीं सकते। अगर आप देखो तो पूरे आसमान में इतने सारे अनगिनत चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, और इसमें कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ऐसा लगता है जैसे पूरे आसमान में हीरे मोती लगे हुए हैं। ऐसा आपने देखा हो तो ऐसा लगता है जैसे वो सारे टिमटिमा रहे हों, लेकिन अगर आप उन्हें ध्यान से देखोगे तो आप ये देखोगे कि उसमें जो टिमटिमाहट है वो बहुत अलग है, ना किसी टिमटिमाहट के चांद के जैसे लगते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ लगभग रोज़ाना आप चंद्रमा को यानी चांद को भी देखते होंगे। ये अलग अलग समय पर दिखते हैं, अलग अलग आकार के और अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है, मतलब चांद। मैम, ये पूर्णिमा और अमावस्या क्या होती है? हाँ, ये जानना बहुत ज़्यादा आसान है। पूरा चांद लगभग एक महीने में दिखाई देता है, और जब ये पूरा चांद दिखने वाली रात आती है जिसमें पूरा चांद होता है उसको हम पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन बाद इसे नहीं देख सकते, और वो जो रात आती है जिसमें चांद नहीं होता उसको हम अमावस्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, मैंने तो इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा बच्चों, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन में चांद और ये छोटी छोटी चमकीली वस्तुएं क्यों नहीं देख पाते हैं? सोचो, क्यों नहीं देख पाते हैं? तुमने कभी सोचा है क्या? मुझे तो खेलने और पढ़ने से टाइम ही नहीं मिलता, कभी देखा भी नहीं। मेरा भाई दिन में पतंग उड़ाता है, उससे पूछूंगी। तुझे तारे दिखते हैं क्या? अरे बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूरज का जो प्रकाश है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, और रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम इसलिए नहीं देख पाते। और बच्चों पता है, सूरज, चांद और रात के समय जितनी भी चीज़ें हैं चमकने वाली, उन सबको खगोलीय पिंड कहते हैं। अच्छा, अब समझ में आया। ये बात है। और बच्चों पता है, कुछ खगोलीय पिंड बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, उनका आकार बहुत बड़ा होता है और वह गर्म भी होते हैं, और ये सारे गैस से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिससे वह विशाल मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को पता है क्या कहते हैं? इनको हम तारा कहते हैं। यस मैम, सूर्य भी एक तारा है। बहुत अच्छे मोहम्मद। और मैम, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य की तरह ही लगते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से हम लोग उनकी रोशनी या प्रकाश को अनुभव नहीं करते। और हाँ, ये अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। प्राचीन समय में दिशाओं को तारों की मदद से ढूंढा करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा बताता था, और तुम्हें पता है उसको हम क्या कहते हैं? बहुत सिंपल है, उसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में सदा एक ही स्थान पर रहता है, और ध्रुव तारे को पोल स्टार कहते हैं। और हाँ, हम सब ऋषि की मदद से ध्रुव तारे की स्थिति भी जान सकते हैं। बहुत अच्छे अब्दुल्ला। कुछ खगोलीय पिंडों का अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, और वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे आकाशीय पिंड ग्रह कहलाते हैं।
यस मैम, ग्रह जिसे इंग्लिश में प्लैनेट बोला जाता है, जो ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है चारों ओर घूमने वाला। साथ, वेरी गुड वेरी गुड। मैम एक बार और समझा दीजिए। अच्छा देखो बच्चे, ग्रह यानी इंग्लिश में जिसे प्लैनेट कहा जाता है, जो ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है और जिसका मतलब होता है चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी यानी अर्थ जिस पर हम रहते हैं, वह भी एक ग्रह है यानी प्लैनेट। ओ थैंक यू मैम। आकिब तुम्हें पता है अर्थ अपना प्रकाश यानी रोशनी और गर्मी सूरज से लेती है? हाँ पता है, जो हमारी पृथ्वी के सबसे पास का तारा है। तुझे ये नहीं पता होगा कि पृथ्वी को चांद से देखने पर यह चांद की जैसी ही चमकती हुई महसूस होती है। अच्छा मुझे तो नहीं पता था। जान क्या? चांद एक सैटेलाइट है यानी उपग्रह। ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी के जैसे 8 अन्य ग्रह और भी हैं जो सूर्य से प्रकाश और गर्मी प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। सूरज और 8 ग्रह, सूरज और 8 ग्रह उपग्रह तथा अन्य कुछ खगोले पिंड जैसे शूद्र ग्रह एवं उल्का पिंड से मिलकर सौर मंडल का निर्माण होता है। हम इसे सौर परिवार का नाम देते हैं और जो सूरज है इसका मुखिया है। सूरज सोलर सिस्टम के बीच में है। यह बहुत बड़ा है और बहुत सारी गर्म गैसों से बना है। सूरज का ग्रेविटी फोर्स इसे सोलर सिस्टम से बांधे रखता है। सूरज सोलर सिस्टम के लिए प्रकाश और गर्मी का एकमात्र जरिया है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है। यस, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सन, दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, जिन्हें हिंदी में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून कहा जाता है। अरे बच्चों तुम कहाँ चले गए? तुम तो अपने ख्यालों में शायद चांद पर ही चले गए हो। ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं तो चांद पे पहुंच गया था। हाँ और तुम्हें पता है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स आर द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। दीज आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स। हाँ मुझे पता है, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर द आउटर प्लैनेट्स और वो गैसेस और लिक्विड से बने होते हैं। बहुत अच्छे साथ। और तुम्हें पता है जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। While Mercury is the smallest planet. It has a shortest orbit around the sun. और बच्चों तुम सबको पता है खगोलीय पिंडों और उनकी गति के विषय में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। जो आर्यभट्ट थे, आप सबने उनका नाम तो सुना ही होगा। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आजकल हमारी दुनिया में ज़्यादातर जगहों पर जितने भी खगोलविद हैं वो गैलेक्सी को सुलझाने में लगे हुए हैं। कितना इंटरेस्टिंग है ना ये। वीनस यानी शुक्र ग्रह का आकार और उसकी आकृति लगभग पृथ्वी की जैसी है, इसलिए शुक्र को या वीनस को पृथ्वी का जुड़वा प्लैनेट भी कहा जाता है। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर जीवन की अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। जो पृथ्वी है वो ज़्यादा गर्म भी नहीं है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, और सूर्य से दूरी के अनुसार जो पृथ्वी है वो तीसरा प्लैनेट है। ओ या, इट इज़ आल्सो द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट आफ्टर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून इन दैट ऑर्डर। एंड ऑल्सो यहाँ वाटर और एयर अवेलेबल है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वायु के जीवन के लिए अनिवार्य गैसें जैसे ऑक्सीजन पाई जाती हैं, इसलिए पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। स्पेस से देखने पर अर्थ ब्लू कलर की दिखाई देती है। वेरी गुड, बिल्कुल, क्योंकि 70% जो पृथ्वी है वो जल से ढकी हुई है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। चलो बच्चों फिर से चांद पे चलते हैं। हमारी अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट यानी उपग्रह है, वो है चंद्रमा।
इसका वॉल्यूम पृथ्वी का केवल 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए नजर आता है क्योंकि अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा पृथ्वी के सबसे ज्यादा पास है। और हाँ, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक परिक्रमा भी पूरा करता है। इसके फलस्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा पर जीवन बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ न पानी है और न ही वायु, और इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। आप सभी को उपग्रह और सैटेलाइट को लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों यानी प्लैनेट्स के चारों ओर घूमते हैं। जैसे हमारे प्लैनेट सूरज के चारों ओर घूमते हैं, उसी तरह उपग्रह हम प्लैनेट्स के चारों ओर घूमते हैं। मैम, मानव निर्मित उपग्रह क्या होता है? मानव निर्मित उपग्रह एक आर्टिफिशियल मशीन है। ये साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया है जिसका इस्तेमाल ब्रह्मांड के विषय में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। ओह, अच्छा। और मैम, शुद्ध ग्रह क्या होता है? स्टार्स, प्लैनेट और सैटेलाइट के अलावा अनगिनत छोटे पिंड भी सूरज के चारों ओर घूमते हैं। इन पिंडों को शुद्ध ग्रह कहते हैं। और साइंटिस्ट के अनुसार शुद्ध ग्रह ग्रह के ही हिस्से होते हैं जो कि बहुत समय पहले विस्फोट के बाद प्लैनेट से टूटकर अलग हो गए। मैम, ये उल्का पिंड क्या होता है? सूरज के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। और कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने पास आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया में उल्का पिंड हवा के साथ घर्षण होने की वजह से गर्म होकर जल जाते हैं, उससे क्या होता है, चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। और मैम, कभी कभी उल्का जलता नहीं है, जब वह पृथ्वी पर गिरता है तो उस जगह से गड्ढा हो जाता है। हाँ बच्चों, आपको पता है नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चांद पर कदम रखा। और मैम, आकाशगंगा क्या होता है? आपने तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर एक फैली चौड़ी व्हाइट पट्टी की तरह एक चमकदार भाग को देखा होगा। ये लाखों तारों का समूह है। ये पट्टी आकाशगंगा है, जिसे हम इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। और आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों का एक समूह है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना कितना मुश्किल है। साइंटिस्ट अभी भी इस विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करने में जुटे हुए हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आज की क्लास? तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू मैम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिए और